हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, आज से हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 12th की न्यू सीरीज, जहाँ पे हम लोग पूरे वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ जितने भी सॉल्व एग्जांपल है एंड न्यूमेरिकल, जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग पूरे वीडियो लेक्चर अपलोडेड करने वाले हैं। बट ये सारे वीडियो लेक्चर अपलोड करते हुए हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है सॉलिड स्टेट। उसके आज से न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड उस न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले हम लोग देखेंगे लॉग टेबल। बहुत सारे लोगों को लॉग टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे देखा जाए तो तुम लोगों ने क्लास 11th में लॉग टेबल थोड़ा बहुत तो तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, बट वो चीज़ ध्यान में रखते हुए भी थोड़ा बहुत तो लॉग टेबल आप लोगों को आता ही होगा। बट फिर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स सीखने से पहले लॉग टेबल के कुछ बेसिक्स रूल्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लॉग टेबल के हिसाब से सारे न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले अगर लॉग टेबल की बात की जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं लॉगरिदम। क्या बोलते हैं? लॉगरिदम। सो ये लॉगरिदम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो इसमें। एक हम लोग बोलेंगे द इंटीग्रल पार्ट, जिसको हमारे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड दूसरा हम लोग बोलेंगे द फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटिसा। सो लॉगरिदम में दो वे से हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करते हुए आना ही चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक अगर आ रहा है तो हम लोग परफेक्ट डेसिमल पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं। और अगर मेंटिसा, ये तो हम लोगों को ऑब्वियसली बात है, मेंटिसा क्या होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि हमारे पास कहीं पर डिजिट्स है 1, 2, 3 एंड 4 है डिजिट्स। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए क्या बोला जाएगा? हमारे पास चार डिजिट्स है 1, 2, 3 एंड 4। चार डिजिट्स है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए अगर किसी ने पूछा कि जहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे निकालेंगे? 1, 2, 3, 4 कितने हो गए डिजिट्स टोटल? 4। 4 माइनस क्या करेंगे हम लोग? 1। हर जगह पे माइनस 1 करना है हम लोगों को। हाँ, क्यों करना है, क्या करना है, अब इसके हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि यूज़ कैसे करना है बस। हाँ, सो 4 माइनस 1 मतलब कितना है? 3। तो 3 इसका क्या आने वाला है, इस पूरे नंबर का कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, उसके बाद अगर कहीं पे मुझे दिया है 1, 2, 3.4, अब देखेंगे हम लोग डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है? 1, 2 एंड 3, तीन डिजिट्स है। तो 3 माइनस 1 मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलने वाला है हम लोगों को? 2। क्लियर? कहीं पे दिया 1.234, अब देखना डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है? 2। 2 माइनस 1 मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा हम लोगों को? 1। कहीं पे दिया 1.234, डेसिमल पॉइंट के इधर कितना डिजिट्स है? 1। 1 माइनस 1 कैरेक्टरिस्टिक 0। कहीं पे दिया है मुझे 0.123, अब देखो एक जीरो है ना, सीधा यहाँ पे लगाना 1 बार, मतलब ही -1, इसका मीनिंग क्या होता है? -1। देन 0.0123 मतलब जितने जीरो उतने बार लगाने हैं अपने को, और मीनिंग बनेगा उसका -2, तो ये हो गया -2। क्लियर? और अगर तीसरा जीरो रहता है 0.0012 तो क्या बनेगा? 3 बार, मीनिंग क्या होने वाला है इसका? -3। तो ये क्या हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग इस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। कैसा? अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है 1, 2, 3, 4, सो 4 माइनस 1, चार डिजिट से -1 कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 3। उसके बाद 1, 2, 3.4, डेसिमल पॉइंट के इधर देखा लेफ्ट हैंड साइड पे कितने है डिजिट्स है? 3। 3 माइनस 1, 2, सिमिलर वैसे यहाँ पे, और यहाँ पे तो एक जीरो है तो 1 बार। ये तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ के अब ये जो चीज़ें आएंगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेंटिसा। अब इसका यूज़ कैसे है, तो इसके थ्रू हम लोग देखते हैं लॉग टेबल। क्या देखते हैं? लॉग टेबल। अब कैसे देखते हैं तो देख लो, अब हम लोग एक कोई डिजिट्स लेते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास है 6.022, क्या लिया मैंने? 6.022,
सो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितना डिजिट है सिर्फ और सिर्फ वन. सो वन माइनस वन करेक्टर से कितना होगा जीरो, तो हम लोग ले लेंगे जीरो. क्लियर. अब लॉग टेबल के अंदर हम लोगों को दिया जाता है, सबसे पहले होता है लॉगरिथम एंड देन क्या होता है एंटी लॉग. लॉगरिथम में हम लोग देखेंगे कैसे डेसिमल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके काम के लिए था, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए. बस सिर्फ उसके थ्रू हम लोग क्या निकाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या निकाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक. सो अब कैसे देखेंगे 60 का 2 में जो कि होता है 7796, क्या होने वाला है लॉग में देखना. 60 का किस में, 60 इस साइड पे रहेगा तुम लोगों को, 60 का 2 में, 2 में मेन डिफरेंस जो कि होता है 1. सो कितना मिलेगा 0.7797, कितना होने वाला है 0.7797. इस हिसाब से हम लोग देखते हैं लॉगरिथम, मतलब पूरे लॉग टेबल में इस हिसाब से हम लोग देखते हैं. हाँ सो आप इसको ट्राई करके देखना कि देखना कैसे है, शायद से आप लोगों को तो आता ही होगा, बट जिनको नहीं आता होगा मैं उनके लिए बता रही हूँ 60 का 2 में और 2 में मेन डिफरेंस इस हिसाब से आपको देखना है. वहाँ पे मीन डिफरेंस दिया होता है, साइड में ऐसा मीन डिफरेंस लिखा होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हो. ये तो था कि लॉग फाइंड कैसे करना है वो, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को, एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं मिंटेसा. क्लियर. हाँ सो क्विक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे जाते हैं लॉगरिथम के रूल्स की तरफ क्विक. तो चलो अभी हम लोग देखते हैं रूल लॉगरिथम के. तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है लॉगरिथम का, तो सबसे पहला रूल बोलता है लॉगरिथम का कि लॉग ऑफ ए एम इंटू एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन. ठीक है, लॉग बोलता है कि अगर तुम लोगों को कहीं पे मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है तो तुम लोग वहाँ पे क्या करोगे, दोनों के लॉग निकालोगे और उसका क्या करने वाले हो एडिशन. तो लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन, अगर कहीं पे दिया जाता है लॉग ऑफ ए एम अपॉन एन, मतलब क्या है डिवाइड है, तो क्या अप्लीकेबल करोगे लॉग ऑफ ए एम माइनस लॉग ऑफ ए एन. ठीक है, लॉग ऑफ ए एम अपॉन एन मतलब लॉग ऑफ ए एम माइनस लॉग ऑफ ए एन, ये सेकंड रूल, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया इसका. थर्ड क्या बोलता है लॉग ऑफ ए एम टू द पावर एन, इसका क्या होगा, सो इसका होने वाला है एन इंटू लॉग ऑफ ए एम, क्या मिलेगा हम लोगों को एन लॉग ऑफ ए एम. क्लियर, इसको और एक फॉर्मूले के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं लॉग ऑफ ए ए टू द पावर एक्स मतलब भी एक्स इंटू लॉग ऑफ ए. क्लियर, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोगों को पता होने ही चाहिए. इसके थ्रू आप कोई भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का बोल दो तो ईजिएस्ट वे से सॉल्व कर सकते ही हो, कोई इशू ही नहीं जाएगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब ये हो गए रूल. हाँ अब इस रूल को एंड इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट की न्यूमेरिकल सीरीज. हाँ उसके पहले आप इसको पूरे इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट की न्यूमेरिकल सीरीज. चलो गाइस तो हम लोग सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे देख रहे हैं जो है फोर्थ नंबर का, जो तुम लोगों को पेज नंबर 27 पे अलॉटेड है. सो द डेंसिटी, देखिए न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, द डेंसिटी ऑफ इरिडियम, इरिडियम एक एटम है एलिमेंट है, उसकी डेंसिटी हम लोगों को गिवन है जो है 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देन और क्या आगे गिवन है, द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम, यूनिट सेल हम लोगों को बता दिया है वो कैसा है, इज FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक. कैलकुलेट फाइंड क्या करने को बोला है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, कैलकुलेट करने को बोला गया रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ इरिडियम एटम, सो रेडियस ऑफ एटम एंड मोलर मास ऑफ इरिडियम इज, मोलर मास हम लोगों को गिवन है जो है 192.2
ग्राम पर मोल, क्लियर? हाँ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, इधर इरिडियम एटम चाहिए, इरिडियम एटम। चलो देखते हैं क्या क्या गिवन चीज़ें हैं। हम लोगों को एक एफसीसी स्ट्रक्चर में इरिडियम का यूनिट सेल दिया है, वहाँ पे बोला गया है गिवन क्या है, उसकी डेंसिटी। गिवन हम लोगों को दी है डेंसिटी ऑफ इरिडियम, डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो, इज इक्वल्स टू 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इतनी डेंसिटी गिवन है। देन बोला का गया टाइप ऑफ यूनिट सेल, हम लोगों को बताया गया टाइप ऑफ यूनिट सेल, कौन सा यूनिट सेल है ये इरिडियम एटम, कौन सा यूनिट सेल फॉर्म कर रहा है, एफसीसी। टाइप ऑफ यूनिट सेल इज एफसीसी। और अगर हम लोग बात करते हैं एफसीसी की, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग एन की वैल्यू क्या बोलने वाले हैं, 4। सो एन भी पता चल गया हम लोगों को। हाँ, और क्या गिवन है, तो और गिवन है मोलर मास ऑफ इरिडियम। किसका मास, मोलर मास गिवन है इरिडियम एटम का, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से, जो कि है 192.2 ग्राम पर मोल। क्लियर? इतने चीज़ें हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करने को बोला गया है, टू फाइंड द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। क्या फाइंड करने को बोला गया है, रेडियस ऑफ इरिडियम एटम, जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे स्मॉल आर से, ये हम लोगों को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर रेडियस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूले डिराइव कर दिए हैं। वही पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले इसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात तो फॉर्मूला क्या बनेगा रेडियस को फाइंड करने के लिए, तो फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू फॉर एफसीसी। हाँ, बीसीसी के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, सिंपल के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, और अगर एफसीसी की बात करते तो इसके लिए आर इज इक्वल्स टू 0.3535 इंटू ए। क्लियर? आर इज इक्वल्स टू 0.3535 इंटू ए। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं। हमारे पास देखो डेंसिटी ऑफ इरिडियम गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल भी बताया गया, एन इज इक्वल्स टू 4, तो वो भी गिवन है, मोलर मास वो भी गिवन है, बट मुझे तो यहाँ पे मेनली कौन चाहिए, ए चाहिए, तो इन वैल्यूज का क्या काम है। तो देखो ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी होगी, और वो फाइंड करने के लिए मैं दूसरा फॉर्मूला अप्लीकेबल करूंगी, जो कि एकलौता फॉर्मूला है ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ए इज इक्वल्स टू एम इंटू एन ए क्यूब इंटू एन ए। क्लियर? सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम इंटू एन, एम स्टैंड फॉर मोलर मास, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कोई कोई इसको जेड भी बोलता है, ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ, एन ए एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास होती है, जो कि कितनी होती है, एन ए इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23, ये होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो सॉल्यूशन में लेंगे हमारा सबसे पहला फॉर्मूला, रो इज इक्वल्स टू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन ए क्यूब इंटू एन ए। चलो तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर भेज देते हैं, ए क्यूब एम इंटू एन अपॉन रो को इस वाले साइड पे, रो इंटू एन ए हो गया। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल्स टू एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एम की वैल्यू हमारे पास है 192.2 ग्राम पर मोल इंटू एन की वैल्यू है 4 एटम्स, उसके बाद रो डेंसिटी की वैल्यू दी है 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड एन ए की वैल्यू 6.022 इंटू 10^23। ये सब वैल्यूज अब हम लोगों ने पुट कर दी, ऑब्वियसली इसका हम लोग निकाल लेंगे क्यूब रूट। सो ए इज इक्वल्स टू क्यूब रूट, टेकिंग द क्यूब रूट भी बोल सकते हैं, ऑन बोथ साइड्स हम लोग लेंगे 1.2 इंटू 4 अपॉन
22.4 इंटू 6.022 इंटू 10^23 हो गया इतना। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका पूरा क्यूब रूट। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसके अंदर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे, लॉग लेते हुए, हाँ लॉग निकालेंगे दोनों का, देन माइनस कैसे करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। बट उसके पहले अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को एडजस्टमेंट करनी है। क्यू और रीज़न क्या है, देखो 10^23 कितना दिया है, 23। कितना है यहाँ पे 10^23, 23। अब मैं 23 का क्यूब इजिएस्ट वे से फाइंड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको 24 में कन्वर्ट कर देती हूँ तो इजिएस्ट वे से मुझे क्यूब मिल जाएगा, क्यूब रूट में मिल जाएगा, जो कि मिलेगा 10^-8। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। इजिएस्ट वे से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ए इस माइनस 10^23 को हम लोग ऊपर भेज देंगे। सो क्यूब रूट 192.2 इंटू 4 इंटू 10^-23 ऊपर भेज दिया। नीचे प्लस में था, ऊपर जाने के बाद माइनस में हो गया। 22.4 इंटू 6.022, सो ए इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देखो माइनस 23 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो अप्लाई करेंगे क्यू एडजस्टमेंट के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक जीरो अप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4.0। ये पहले 0.4 है, 4 है मतलब एक जीरो मैं अप्लीकेबल करती हूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 10^-1 इंटू 10^-23 अपॉन 22.4 इंटू 6.022। क्लियर। अब देखो इसके वैल्यू, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस क्या मिलेगा मुझे, माइनस 10^-24। क्लियर। अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते क्या क्या किया था। देखो हम लोगों को डेंसिटी गिवन थी, यूनिट सेल भी गिवन था, जो कि कौन सा था, एफसीसी। कैलकुलेट क्या करना था, रेडियस ऑफ द इरिडियम एटम कैलकुलेट करना है, रेडियस किसका, इरिडियम एटम का। मोलर मास गिवन है, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए। ए की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं गिवन। ए की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू एम इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो ए क्यूब की मतलब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने सब वैल्यू को पुट कर दिया, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, रो की वैल्यू एंड ये, वो पुट करने के बाद हम लोगों ने लगा दिया क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक का क्यूब है। देन क्यूब रूट लगाने के बाद प्रॉब्लम ऐसा है कि 10^23 के हम लोग क्यूब रूट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे एडजस्टमेंट, तो 10^23 नीचे प्लस में हम लोग उसको ऊपर भेज रहे हैं। कितना आ गया, माइनस 23। 4 है, 4 के सामने हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक जीरो, मतलब 4 0। अगर जीरो हम लोग एक डिजिट सामने जाएंगे, मतलब 4 का मीनिंग क्या होने वाला है, 0.4। अगर ये भी नहीं तो सिंपल सी चीज़, एक चीज़ ध्यान में रखो, एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोगों ने उसको क्या कर लिया है, 40। क्या कर लिया है, 40 अगर चले गए तो इधर क्या मिलेगा, 10^-1 और इंटू 10^23। माइनस 23 माइनस 1 हम लोगों को क्या देने वाला है, माइनस 24। अब करेंगे हम लोग आगे, पहले उसके पहले आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम लोग आगे की वैल्यूज। सो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। हम लोगों को निकालना क्या था, रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। चलो देखो अब आगे की प्रोसेस कैसे करेंगे हम लोग। हमारे पास आ चुका है ए इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 192.2 इंटू 40 माइनस माइनस मैंने कर दिया यहाँ पे प्लस माइनस 24 यहाँ पे आ चुका है और बड़े इसका साइन किसका है, माइनस का। देन 22.4 इंटू 6.022। क्लियर। अब इतनी वैल्यू हमारे पास डिराइव्ड हो चुकी है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो तो सबसे पहले 10^24 को हम लोग लेते हैं क्यूब रूट के बाहर, तो यहाँ पे मिल जाएगा 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10^-8। मिल गया इतना। अब आगे हम लोग लेंगे लॉग ऑफ, क्योंकि हम लोग इसका क्यूब रूट डायरेक्टली तो हम लोग निकाल नहीं सकेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 192.2 का पहले लॉग लेंगे, 40 का लॉग लेंगे। हम लोगों ने अभी देखा था एक फॉर्मूला जहाँ पे वो फॉर्मूला क्या बोलता था, लॉग ऑफ ए
m into n is equals to क्या फॉर्मूला, log of a m plus log of a n, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन है तो ये फॉर्मूला बताता है क्या करना है हम लोगों को, एडिशन। सो हम लोग लेंगे log of 192.2 एंड इधर लेंगे log of 40, क्लियर। हाँ तो देखो क्या मिलेगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। 192.2 डेसिमल पॉइंट के इधर कितने डिजिट्स है, 3, 3 माइनस 1 कितना मिलेगा 2, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं, दो डिजिट्स है, 2 माइनस 1 कितना मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक 1। अब देखेंगे हम लोग लॉग, लॉग किसका देखना है हम लोगों को, 19 का 2 में। देखो जब भी हम लोग लॉग देखते हैं तब डेसिमल पॉइंट का कुछ भी वहाँ पे लेना देना नहीं है, सीधा देखना है हम लोगों को 19 का 2 में। चलो देखते हैं 19 का 2 में कितना है, देख लो यहाँ पे 2833 है, हाँ, और 2 में मेन डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा 4, सो 2837। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2837, क्यों 7, मेन डिफरेंस जो होता है, जो मेन डिफरेंस होगा वो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर ऐड करेंगे, सो 7। 40 का 0 में होता है 6021, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब क्या है, 0 है, तो 40 का 0 में 6021, तो एडिशन करते हैं कितना मिल जाएगा, 8, 5, 8, 6 plus 2, 8, और यहाँ पे 2 plus 1, 3, कितना हो चुका है 2 plus 1, 3। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे का भी लॉग निकाल लेते हैं, लॉग ऑफ 22.4 एंड इधर लेंगे लॉग ऑफ 6.022। 22.4 डेसिमल पॉइंट के इधर दो डिजिट, 2 minus 1 मतलब यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 1, हाँ, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के इधर एक डिजिट, 1 minus 1, 0, हाँ, इसका तो सिंपल सा है, 60 का 2 में मतलब आएगा 7797, मेन डिफरेंस ऐड करते हुए आप लोगों ने देख लेना। देन 22 का 4 में है 3502, कितना दिया है 3502, दोनों का क्या करते हैं हम लोग एडिशन, 7 plus 2, 9, 9, 12 कैरी 1, 7 plus 3, 10, 10 plus 1, 11, इधर 2, क्लियर। अब देखो दोनों के लॉग निकाल लिए हैं हम लोगों ने, स्टार्टिंग में और एक फॉर्मूला देखा था, लॉग ऑफ ए एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एम माइनस लॉग ऑफ ए एन है, तो यहाँ पे सेम वही सिचुएशन है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे है, डिवाइड में है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी सब्सट्रैक्शन। पहले क्या किया हम लोगों ने, दोनों के लॉग का एडिशन किया, इसके भी लॉग का एडिशन किया, अब दोनों का क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन, सिर्फ लॉग का एडिशन का, 3.8858 माइनस 2.1299, सो कितना मिलेगा यहाँ पे 9 कैरी, इधर 5, इधर भी 5, 7 और 1, सब्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली बात है सबको आता ही होगा, तो 1.7559 हो चुका है इतना, हाँ। अब लेंगे हम लोग इसके अंदर इस वैल्यू को, क्यूब रूट 1.7559, चलो इंटू 10^पावर माइनस 8, इतना हम लोगों को मिल चुका है। अब यहाँ से करना कैसे है, मैंने आपको स्टार्टिंग में और एक फॉर्मूला बताया था, लॉग ऑफ ए एम टू द पावर एन, क्या है फॉर्मूला, एन इंटू लॉग ऑफ ए एम है। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा कैसा है क्यूब रूट में है, क्यूब रूट मतलब ही हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग ऑफ, लॉग के फॉर्म में लॉग ऑफ 1.7559 पावर में क्या है 1/3, उसको ले लेंगे हम लोग सामने, 1/3 लॉग ऑफ 1.7559, सो लॉग ऑफ 1.7559 डिवाइड बाय 3, हम लोग इसका लॉग नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये लॉगरिथमिक टर्म को ही सॉल्व किया है, हाँ, सो सीधा हम लोग करेंगे इसको डिवाइड, तो 3 से हम लोग किसको डिवाइड करने वाले हैं, 1.7559। देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग यहाँ से लेके या नहीं, पूरी की पूरी टर्म को ही उठाना है, चलो तो 3 से डिवाइड करते हैं, पहले तो हम लोगों को 0 का डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मिलेगा 17, 5 जा यहाँ पे मिल जाएगा 15, ठीक है, 2, देन 8 जा 24, 1, 5 जा 15 एंड देन 9 क्या बोलेंगे हम लोग 3 जा, ठीक है, तो कितना मिला हम लोगों को, a इज इक्वल्स टू, देखो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.5853,
इसका हम लोगों को लेना होता है एंटीलॉग, तभी जाके इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो 0.5853 का एंटीलॉग देखते हैं, तो 58 का देखना है 5 में, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है तो यहाँ से लेना नहीं है, 58 का 5 में। चलो देखते हैं 58 का 5 में 3846, 3846, ठीक है, 58 का 5 में, और 3 में मेन डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा 3। सो मेन डिफरेंस को हम लोग ऐड करते हैं, क्या मिलने वाला है, 3849। सो आंसर मिलेगा हम लोगों को, देखो अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देना है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0, 0 के अंदर +1 का एडिशन, सो 3.849, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, इंटू 10^-8। ये आंसर जो है ये किस में है, सेंटीमीटर में। इसका कन्वर्जन हम लोगों को पिकोमीटर में करना है। सो सीधा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 384.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर में इसलिए किया हम लोगों ने क्योंकि जो लास्ट आंसर चाहिए वो हम लोगों को उसी टर्म में चाहिए, ठीक है, रेडियस का भी, तो इसलिए हम लोग पिकोमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसको। अब देखो लास्ट आंसर क्या है, ए की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है, अब क्या करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू क्या आता, 0.3535 इंटू ए, तो 0.3535, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 384.9 पिकोमीटर में, ठीक है। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे लॉगरिदम के हिसाब से, किसके हिसाब से, लॉगरिदम के। चलो लेते हैं लॉग ऑफ 0.3535, शायद से बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। अब एक काम करो, इतने इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग लास्ट पोर्शन को सॉल्व करके दिखाते हैं। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो, तो आगे के टर्म को सॉल्व करते हैं, हम लोग लेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो लॉग ऑफ 0.3535 एंड द लॉग ऑफ 384.9। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ तो यहाँ पे कितना है, 0.3535, सो कैरेक्टरिस्टिक कितना आने वाला है, मैंने पहले बताया, एक अगर जीरो रहता है तो 1 बार। इधर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है, 1, 2 एंड 3, 3 - 1 कितने मिलेंगे हम लोगों को, 2। अब देखेंगे हम लोग कैसा, 35 का 3 में, चलो देखते हैं 35 का 3 में हम लोगों को मिलता है 5478, 5478, क्लियर। तो 35 का 3 में 5478, 5 में मेन डिफरेंस है 6, सो 8+6 = 14, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 14, कैरी 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8। देन 38 का 4 में देखेंगे, 38 का 4 में 5853, 38 का 4 में 5843, 9 में मेन डिफरेंस हम लोगों को मिलने वाला है 10, सो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, 5 एंड इधर 3, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन है तो रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन। चलो 4+3 = 7, 8+5 = 13, कैरी 1, इधर 9+14 कितना हो गया, 13, कैरी 1, 5+5 = 10, 10 और ये कैरी 1 11 इधर। हाँ अब देखो यहाँ पे तुम लोग ये जो 1 है, कैरी 1 जो आ रहा है उसको अपन निगेटिव में ऐड नहीं कर सकेंगे, पॉजिटिव की तरफ तुम लोगों को 2 में ऐड करनी होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2+2। देन इसके बाद इसका निकालेंगे हम लोग एंटी लॉग, देखेंगे इधर से देखना है हम लोगों को एंटी लॉग को, यहाँ से ये तो कैरेक्टरिस्टिक हुआ तो इसको देखेंगे क्या हम लोग, नहीं, 13 का 3 में देखना है हम लोगों का एंटी लॉग, तो चलो देखते हैं 13 का 3 में, 13 का 3 में 1358, 1358, 7 में मेन डिफरेंस 13 का 3 में, और 7 में मेन डिफरेंस हम लोगों को मिल रहा है 2, सो 8+2 = 10, 1 6, सो यहाँ पे मिलेगा 1360, 1360। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 है, अगर वो पॉजिटिव में रहता है तो +1 का एडिशन करना होता है, तो कितना हो जाएगा, 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट मतलब ऐसा, और आंसर किस में मिलने वाला है, पिकोमीटर, तो करेक्ट आंसर रहेगा 136 पिको
मीटर। सो आर इज इक्वल्स टू मतलब रेडियस ऑफ इरिडियम एटम, देयरफॉर रेडियस ऑफ इरिडियम एटम इज 136 पिको मीटर। क्लियर? सो लॉग टेबल के हिसाब से तुम लोग परफेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हो। और कैसे, तो हम लोगों ने देख लिया क्यूब रूट कैसे निकाला वो भी, और ये सारी चीज़ें भी। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। सो गाइस, इस हिसाब से हम लोगों ने रेडियस ऑफ इरिडियम एटम लॉग टेबल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये पूरा एक न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और लॉग टेबल के रूल्स भी समझ में आएंगे। अगर आपको लॉग टेबल एक अलग से अगर चाहिए होगा, उसका एक स्पेसिफिक डिफरेंट वीडियो चाहिए होगा, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। वैसा इसके बाद के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।